time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी हम किस टॉपिक पर डील कर रहे हैं? अभी हम डील कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर। यस डियर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद आपका स्टार्ट हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर कमांड आ चुकी होगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सके। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ, जिसका वेटेज कितना है डियर? 28 मार्क्स का। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, उन स्टूडेंट्स का मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डियर, अनअकैडमी प्लस प्रोवाइड करता है आपको लाइव क्लासेस,
क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक आपको प्लस के सभी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। एडिशनल आपको क्या प्रोवाइड करता है? एडिशनल आपको प्रोवाइड करता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर, जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें। एंड डियर, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड क्या यूज करना है? पल्लव लाइव, ताकि आप सभी लोग पल्लव लाइव टीम से जुड़ सके, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनल गाइडेंस मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का। और आप सभी लोग एज अ इंजीनियर जानते हैं कि आपके लिए गेट एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है मार्क्स, और अगर आप सबसे ज्यादा मार्क्स के एजुकेटर से कनेक्ट होते हैं तो आपकी जो भी मार्क्स है आपका स्कोर ज्यादा ही आएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है डिस्कशन कर पाएंगे गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आप सभी को क्वेश्चन बैंक, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट, इन सभी में आप डायरेक्ट डिस्कशन कर पाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट का जो एम है गेट 2022, गेट 2023, उसे अचीव कर पाएंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं, डियर, आप सभी के लिए नेविगेट हो रहा है, जो कि आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिस टेस्ट को देकर आप जो है स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो डियर, ये कब होने वाला है? ये कल संडे को होने वाला है एट 11 AM पर। तो आप सभी स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। और आपके लिए ये जो सीरीज है मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज, डियर, इसके थ्रू आप टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सभी सब्जेक्ट पर कमांड कर पाएंगे। ये किन ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए? ये सीएस, डबल ईसी, एमई, सीई एंड सीएच ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अपने आप को इसमें एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। और ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है, डियर, आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। किन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए है ये? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच। तो आप सभी स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दीजिए, स्कॉलरशिप लीजिए और सब्सक्रिप्शन पर आप यूज डिस्काउंट पाइए। चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग विशाल जी, गुड मॉर्निंग, इंटीग्रेशन इज सो वेरी क्लियर हियर, वेरी गुड ध्रुव जी, गुड मॉर्निंग याउस जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मनीष जी। यार एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए, जल्दी से सभी लोग सेशन के लिंक को एक बार शेयर करके आ जाइए, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर कराइए। चलिए चलिए, तो हम अभी कहां पर डील कर रहे थे? अभी हम डील कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन पर, कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है उस टेक्निक का आप कैसे यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। बट पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक स्टूडेंट्स ने ये देख लिया है कि सर उसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उस फॉर्म को कैसे करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ही किया था अभी हमने, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5x-3 dx डिवाइडेड बाय x square minus 1 into 2x plus 3। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग। चलिए फास्ट, चलिए यार, कल सभी ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने कहा था कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, उस सेशन को सभी ने ज्वाइन किया था? टेल मी, वो सेशन सभी ने ज्वाइन किया था या नहीं? यस और नो? यस, ये देखिए आपके लिए, यस, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आपने कभी मेरे सेशंस आपको मोटिवेशन टाइप के नहीं देखे होंगे कि मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं। डियर, मोटिवेशन सेशन तब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप खुद भी मोटिवेट होना चाहते हैं, और इसीलिए आपके लिए ये जो सेशंस हैं बहुत कम मैं लेता हूं, ताकि क्योंकि जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक उन सेशंस का कोई मतलब नहीं। बट जो भी आपके इस टाइप के सेशन होते हैं जिसमें आपके लिए
प्रिपरेशन के तरीके बताए जाए या स्ट्रेटेजी बताई जाए या फिर कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, कैसे टेस्ट सीरीज को करना है, कैसे आपको रिविजन को करना है, आप ये सारी चीजें जब भी मैं आपके ये सेशन लेता हूँ इन सेशन को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको ये कहा जाए कि आप जो है एक दिन बैठिए पूरा के पूरा पढ़ डालिए, आप एक दिन बैठिए पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर डालिए, नहीं कुछ भी बातें नहीं होती कि आप ये सोचें कि सर ये ऐसा, नो डियर, इसमें आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया जाता है, एक्चुअल चीजें बताई जाती है कि आपको कैसे रिविजन करना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और अभी आपके पास टाइम है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी से आप इन चीजों पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, कैसे आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पहले आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, तो आप उस सेशन को जरूर देखें, ओके। चलिए जल्दी से बताइए कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया भाई, चलिए 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 आइए कम यार। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते से आपको एक चीज स्ट्राइक होती है कि सर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सर अगर हम देखते हैं यहां पर तो बहुत ही सिंपल सी एक चीज हमें मिलती है कि सर हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर इज लेस देन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। जल्दी से बताइए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। जल्दी से बताइए, हाँ है ना, यस सर। और जैसे ही आपने इस हाईएस्ट पावर जो देखा कि सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर जो है लेस देन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, अगर आपने ये डायरेक्ट इसको देखा तो आपने क्या कहा, सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं सर जी, पार्शियल फ्रैक्शन क्या अप्लाई कर सकते हैं सर जी, पार्शियल फ्रैक्शन हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करिए अप्लाई, अगर आप यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा सर, नथिंग बट 5x-3 डिवाइडेड बाय x²-1 इंटू 2x+3। तो ये किस में ब्रेक होगा सर, ये ब्रेक होगा सर यहां पर है हमारा क्या सर x², अगर यहां पर x² है तो ये किस में ब्रेक होगा सर जी, ये होगा ax+b डिवाइडेड बाय x²-1 प्लस सी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी 2x+3। यस, अगर किसी स्टूडेंट को इस ब्रेक करने में डाउट है तो डियर आप जो है कल का सेशन देखिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब जैसे ही आपने ब्रेक किया, आपने ब्रेक करने के बाद क्या किया सर जी, इसका हमने लिया एलसीएम और इसे सिंप्लीफाई किया तो ये क्वांटिटी तो सेम, लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, 5x-3 इंटू x²-1 इंटू 2x+3 एंड नाउ दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट x²-1 इंटू 2x+3। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप इसका यहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू x इंटू 2x+3 प्लस बी इंटू 2x+3 प्लस सी इंटू x²-1। जल्दी से बताइए यही होगा, कहिए यार जल्दी से बताइए, यस और नो जल्दी से बताइए, यस और नो, टेमी पास यार, यस सर। नाउ एक बात मुझे बताइए, ये मैंने स्टेप आपके लिए क्यों लिखा, ये स्टेप आपको समझाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए लिखा कि डियर आपने इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सॉल्व करते एबीसी की आप वैल्यू फाइंड आउट करते कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप इसके आगे जाके इंटीग्रेशन भी देखेंगे तो स्टेप जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगी, बट अगर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई करते कि सर यहां पर ये जो वैल्यू है सर x²-1 है, सर मैं इसे और भी तो ब्रेक कर सकता था, किसमें x-1 इंटू x+1, जल्दी से बताइए कर सकते थे ना,
यस और नो? यस, इसे आप ब्रेक कर सकते थे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में। अगर आप इसे ब्रेक कर देते डियर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो डायरेक्टली आपको a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x प्लस वन प्लस c अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, ये चीजें मिल जाती, डायरेक्ट ए बी सी के फॉर्म में चले जाते। यस, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसे इस फॉर्म से करते कि सर अगर मैं इसे लिखता दिस इज, सर अगर मैं इसे लिखता 5x माइनस थ्री और ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे मैं लिखता x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, तो सर ये ए बी सी के फॉर्म में आ जाता, तो ये क्या आ जाता सर a अपॉन x माइनस वन, इंटीग्रेशन में भी आसानी होती। जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी फास्ट यस और नो, जल्दी से बताइए। आप इस फॉर्म में लिख सकते थे ना इसे, जल्दी से बताइए यस और नो? यस सर, यस। जिस भी स्टूडेंट को इस फॉर्म से जाना है जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपके। बट इस फॉर्म से अगर आप देखें तो डायरेक्टली a अपॉन x माइनस वन के इसके फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। चलिए आइए इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी a इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री प्लस c इंटू दिस क्वांटिटी एज x माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। नाउ लिसन टू मी केयरफुल, अगर आप इसे देखते हैं तो अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए बी सी। तो आपने क्या करा सर, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज कैंसल आउट, और जैसे ही ये वैल्यू कैंसल हुई आपकी वैल्यू क्या बची है सर, 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू ए 2x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री एंड सी इज नथिंग बट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। नाउ ध्यान से सुनिए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए यार, कल एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था सेशन कंप्लीट होने के बाद, ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उसने पूछा था, तो उसका जो है मैं अभी आपको कंसेप्ट बता देता हूं। कल एक स्टूडेंट ने पूछा था सर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लेकर हम सॉल्व करेंगे, फिर उसमें से तीन इक्वेशन बनेगी ए बी सी, इस फॉर्म में तीन इक्वेशन बनेगी, फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सर तीन इक्वेशन से इनकी ए बी सी की वैल्यू निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? जल्दी से बताइए, आप ही लोग बताइए, जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा ए बी एंड सी की वैल्यू निकालने में? जल्दी से कमेंट करो यार, हाँ है ना? यस सर। तो अब मुझे आप लोग ही बताइए, आप पे ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल रहे हैं और आप ही को लगता है कि सर इसमें टाइम लग जाएगा, तो ये इस तरीके से जाना क्यों? मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए, एक्स क्या है यहां पर सर, एक्स की अगर बात करें सर, एक्स इज अ वेरिएबल हियर, एक्स इज सर एक्स इज अ वेरिएबल हियर, और ए बी सी क्या है आपके सर, ए बी सी क्या है सर, ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट है, और अगर आपका x वेरिएबल है, एबीसी आपके कांस्टेंट है, तो मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए, दो चीजों को ध्यान से सुनिएगा, आप इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, मुझे एक बात बताइए आप ही लोग कि सर अगर x वेरिएबल, ये क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड की है, ये क्वांटिटी हमारे राइट हैंड साइड की है, अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर आपने x की कोई भी वैल्यू रखी, तो आपके जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए वही वैल्यू आपके राइट हैंड साइड में आना चाहिए। जैसे ही आप x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, क्योंकि ये बीच में इक्वल टू साइन लगाया है ना, तो आप क्या कहेंगे, हाँ सर ये बात तो सही है। अगर आप x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है वही वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड में आना चाहिए, और जो चाहे आप वैल्यू रख सकते हैं ना, आप जो वैल्यू चाहते हैं कि हम जो भी वैल्यू चाहे वो वैल्यू रख सकते हैं, तो आप कुछ भी वैल्यू अगर रखते हैं, लेट अस सपोज आपने x की वैल्यू यहां पे कही कि मैं सर x की वैल्यू जीरो रखूंगा, रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी, ए बी सी तीनों चीज आएगी, क्योंकि कोई भी चीज जीरो नहीं होगी। बट यार एक बात मुझे बताइए, अगर आप x की वैल्यू ऐसे रखते हैं जिसमें क्या हो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जीरो हो जाए, मींस अगर आपकी ए भी जीरो हो गया सी जीरो हो गया, तो आपका बी आसानी से जाएगा,
फिर आपने x की कुछ वैल्यू रखी जिसमें आपका ये जो कंडीशन है ये वाली वैल्यू जीरो आ जाए, आपका a आ जाएगा, c आ जाएगा, नहीं आया समझ? आइए ना, लेट अस सपोज मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि सर x की क्या वैल्यू रखे, मैंने सोचा कि सर यहां पर भी x प्लस वन आ रहा है, यहां पर भी x प्लस वन आ रहा है, सर कैलकुलेशन को अगर मुझे सिंपल करना है तो एक काम करिए ना सर, एट x इक्वल टू माइनस वन, यस नो, एबीसी तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, आप कोई भी वेरिएबल रखो, जो आप मन करे आपका वो वेरिएबल रख लीजिए। आपने क्या कहा कि मैं सर x की वैल्यू माइनस वन रखूंगा, जैसे ही आपने माइनस वन रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया सर, ये क्वांटिटी कितनी होगी सर, माइनस फाइव माइनस थ्री, ये क्वांटिटी कितनी होगी सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट वॉट सर, माइनस एट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा सर, जैसे ही मैंने माइनस वन रखा एक्स, दिस क्वांटिटी इज माइनस वन प्लस वन इज जीरो, तो ये क्वांटिटी पूरी जीरो होगी, एंड दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी भी आपकी पूरी की पूरी जीरो होगी। अगर आप इसकी बात करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही सर, दिस क्वांटिटी इज बी इंटू दिस इज, अगर आप इसकी बात करें तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना जाएगा सर, माइनस टू इंटू, एंड दिस क्वांटिटी इज प्लस वन, यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना, बताओ यार। तो यहां से क्या जाएगा सर, बी की वैल्यू आ गई फोर, बी की वैल्यू कितनी रहेगी सर, ये फोर, ये लो। ऐसे आप कॉन्स्टेंट को निकाला कीजिए, आप ये नहीं कि तीनों इक्वेशन बनाकर निकाले, वो जो फॉर्म था आपको सोचना पड़ेगा मैथमेटिक्स में कि किस तरीके से जाए, कल जो हमने फॉर्म करा था उससे पहले का जो फॉर्म मैंने आपको बताया था उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सिंपल तरीके से दो वेरिएबल थे इक्वेट करके आसानी से निकाल पा रहे थे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो गए हैं तो सर हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा ताकि आप एक स्टेप में ही सबकी वैल्यू निकाल लें। ये एक स्टेप में आपने किसकी निकाल ली, बी की वैल्यू। अब आपने कहा कि यार सर चलिए सर बी के अलावा अब मैं दूसरी वैल्यू निकालना चाहता हूं, मैंने सोचा कि सर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं। अब अगर आपको ए की वैल्यू निकालना है तो आपने क्या देखा सर, x माइनस वन यहां भी है, x माइनस वन यहां भी है, अगर मैं x इक्वल टू वन रखता हूं, अगर मैं x इक्वल टू वन रखता हूं तो ये वाली वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, सिर्फ a ही बचेगा। तो आपने क्या करा सर, मैं करता हूं क्या, x इक्वल टू वन पुट कर देता हूं, और जैसे ही आपने x इक्वल टू वन पुट करा, दिस इज फाइव माइनस थ्री इज टू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा सर, ये वाली क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो, सिर्फ ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज a इंटू 2x plus 3 means अगर आप यहाँ पर रखेंगे 2 plus 3 is 5 into 2 is 10, तो आपकी b की a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, a की वैल्यू आ जाएगी 1 by 5, समझ आया? देखिए आपने एक स्टेप में b की वैल्यू भी निकाली, एक ही स्टेप से आपने a की वैल्यू भी निकाली। अब आपने क्या करा, अब आपने करा क्या, बचा क्या है हमारा निकालने को सर, c कांस्टेंट बचा हुआ है, तो c अगर हमारा कांस्टेंट बचा हुआ है तो आपने क्या करा सर, यहां पर 2x plus 3 और 2x plus 3 दोनों कॉमन, तो एक काम करते हैं सर, x की वैल्यू क्या रखें सर, x की वैल्यू हम रखते हैं कितनी सर, माइनस 3 by 2, yes or no, अगर आप x की वैल्यू माइनस 3 by 2 रखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा सर, अगर हम यहां पे बात करें, दिस इज 5 into माइनस 3 by 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2, यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। अगर आपने माइनस थ्री बाई टू रखा तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दिस क्वांटिटी इज फाइव इंटू माइनस थ्री इज माइनस 15 एंड दिस इज माइनस 3, दिस इज माइनस 6, दिस इज माइनस 21 बाई 2, तो ये कितनी आ गई है सर, माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, चलिए तो आप क्या कहेंगे सर, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, बस बचा क्या सर सी, तो सी आपका कितना जाएगा, सी इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन एंड दिस इज माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, तो आपका ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज माइनस 21 डिवाइडेड बाई टू, दिस इज सी एंड दिस क्वांटिटी इज माइनस 5 बाई टू एंड दिस क्वांटिटी इज 1 बाई टू, यस और नो, जल्दी से बताइए। तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, जल्दी से बताइए आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, सी की बात करें तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस इज प्लस, दिस टू इज कैंसल आउट, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी सर, सी की वैल्यू हो चुकी है हमारी माइनस 21 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी से कहिए कितने लोगों की एबीसी की यही तीन वैल्यू आई थी,
जल्दी से बताइए, मुझे बताइए ये मेथड कैसा लगा सभी को। ओके, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 42। चलिए सही कहा आपने, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 42। चलिए जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये मेथड समझ आई, कितने लोगों को ये मेथड समझ आई। हाँ है ना, यस। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम ए बी सी की वैल्यू बहुत जल्दी से निकाल लेंगे, किसी भी प्रकार से हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, सर क्वेश्चन हो गया, आपने क्या करा, सर हमसे पूछा गया था इंटीग्रेशन ऑफ 5x-3 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x+1 इंटू 2x+3, यही था। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ए की वैल्यू की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ए की वैल्यू की अगर बात करें तो दिस इज 1/5 dx डिवाइडेड बाय x-1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 4 dx डिवाइडेड बाय, टेल मी द वैल्यू ऑफ बी सर, नथिंग बट x+ डिवाइडेड बाय x+1 प्लस सी, टेल मी द वैल्यू ऑफ सी इज -42 डिवाइडेड बाय 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या था सर, 2x+3 dx। यार अब मुझे बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन टफ है, मुझे बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन टफ है। बिल्कुल नहीं, अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, अब आप तो इससे इंटीग्रेशन को आसानी से कर पाएंगे। मुझे बताइए भाई कितने लोग इसे समझ गए सही से, जल्दी से बताइए। चलिए आइए आइए आइए, वेरी गुड, गॉट इट, वेरी गुड मनीष जी। अगर आप इसकी बात करें तो ये कितना होगा, दिस वैल्यू इज 1/5 लॉग मॉड ऑफ x-1 प्लस 4 log of x+1 -42 divided by 5 and this quantity is 2x+3 not x-1 x+1। तो यहां पर क्या आएगा सर, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में रहेगा, दिस इज log of mod 2x+3 प्लस कॉन्स्टेंट एंड दिस इज योर आंसर। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को पूरा समझ आ गया, टेल मी फास्ट। जल्दी से बताइए कितने लोगों को पूरा समझ आ गया भाई, टेल मी। एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसको समझ ना आया हो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोगों को समझ आया, यस और नो। चलिए वेरी गुड। चलिए अब ना एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने 2 करवा दिए, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए, बढ़ाया जाए लेवल, तैयार है। चलिए आई नो लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ देख के कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर क्या जरूरत है, बट ये जरूरत तो है आपको पढ़ने के लिए। आइए अब चलते हैं हम किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3+4x-x² dx डिवाइडेड बाय क्या है भाई डिनोमिनेटर में, x+2 इंटू x-1। चलिए करिए तो भाई, चलिए। फास्ट। चलिए आइए, कम यार, लेट मी सॉल्व। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, आपने क्वेश्चन को देखते से एक चीज याद आई कि सर जी आप पढ़ा रहे हैं हमें पार्शियल फ्रैक्शन, और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है सर, यहां पर अगर हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर. जल्दी से बताइए. हाँ या ना. अब ये देखते से ही स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ जाता है कि सर जी यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लगेगा. सर जी यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लगेगा. और आपने जो सोचा कि यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, बिल्कुल सही सोचा कि सर जी यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा. बट एक बात बताओ हम कौन है सर? हमने इंजीनियर होते हैं जुगाड़. उन्होंने क्या कहा कि भैया दिक्कत बताओ तुम्हारी, क्यों नहीं लगा सकते हम पार्शियल फ्रैक्शन? आपने ये कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर जो है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर से क्या है सर जी? ज्यादा है, इसकी वजह से यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा. तो आपने क्या कहा? बस यही दिक्कत है. अरे बस यही प्रॉब्लम है कि भैया तुम्हारे वेरिएबल की जो वैल्यू है सर, वो वेरिएबल की वैल्यू क्या है सर? ज्यादा है. बस यही दिक्कत है ना. एक काम कीजिए, ये लो भाई, इससे डिवाइड कर देते हैं. माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस 3 एंड दिस, चलिए इसका इंटू कीजिए. तो अगर आप इसका इंटू करते तो ये हो जाएगा कितना, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 इज माइनस 1x एंड 2 का अगर करते दिस इज प्लस 2x माइनस 2. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. जल्दी से बताइए, यही आ रही है? यस सर. नो. यस सर. अब अगर आप इसकी बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इससे डिवाइड कर दिया. करिए भाई इससे अगर डिवाइड कर दे तो पहले आपने कहा सर माइनस 1, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2. तो ये क्वांटिटी कितनी होगी सर? साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस. तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर? कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? 5x एंड दिस इज प्लस 1. जल्दी से बताइए, यस और नो? हाँ या ना. यस. और बचपन में एक चीज सुनी कि अगर हम इसकी बात करें, अगर आप इसकी बात करें कि ये जो वैल्यू है, आप ये जो वैल्यू है a by b, इससे क्या लिख सकते हैं सर? अगर हम इसकी बात करें, कोई भी वैल्यू लेट अस सपोज a by b के फॉर्म में, तो इससे क्या लिख सकते हैं? कोशेंट प्लस. अगर हम इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा सर जी? कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय वॉट? जल्दी से बताओ यार, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय डिवाइजर. इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बस इस फॉर्म में लिख दीजिए आप, आपका काम हो गया. आपने क्या किया सर? ये जो फॉर्म था, इस पूरे की पूरे फॉर्म को हमने इसमें लिख दिया. चलिए, आपने क्या करा सर? दिस क्वांटिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या था आपकी वैल्यू सर? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. इसे आप क्या लिख सकते हैं सर? इसे अगर मैं इस फॉर्म में लिखकर जाता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी सर माइनस 1, मींस इंटीग्रेशन है तो माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज रिमाइंडर आपका कितना है सर? 5x प्लस 1. और आपका डिवाइजर कितना था सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को तो ये वापस ये भी लिख सकते हैं. तो आपने इसे क्या लिख दिया सर? एक्स माइनस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx. अब आपने क्या कहा? अब आइए, ये जो था ये तो इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा, और ये जो दिक्कत थी हमारी कि हाईएस्ट पावर जो था न्यूमरेटर की ज्यादा थी किससे सर जी? डिनोमिनेटर से. तो यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए सर, यहां पर अगर देखा जाए तो किसकी पावर ज्यादा है सर जी? डिनोमिनेटर की. तो आप क्या कहेंगे भाई, जो न्यूमरेटर की जो पावर है वेरिएबल की वह लेस है किससे सर? डिनोमिनेटर की पावर से. और हम भी तो यही चाहते थे पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने के लिए. तो ओवरऑल अगर बात की जाए, कंडीशन तो आपकी क्या है कि सर न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए. बट अगर ज्यादा भी हो गई तो हम ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसे वापस इस कंडीशन में ले आएंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. जल्दी से बताइए, समझ आया? ये तो मैंने आपको टफ फॉर्म बता दिया. अगर आप गेट के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो बस स्लाइट वेरिएशन करने पर आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था. बट अगर आप उस छोटे से क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना.
समझे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यस, राजेश्वरी जी का कहना है सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। यस सर, मेरे राजेश्वरी जी ध्यान से सुनिए, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर तो आपने कह दिया कि सर यहाँ पर तो डिग्री बराबर है। यस, मैं तो आपको ज्यादा की केस का भी बता रहा है कि अगर ज्यादा रहेगी तब भी आपको ये कंसेप्ट यूज करके उसकी क्या करना है सर, कम करना है। इसमें अगर आप चाहें तो इक्वल टू भी लगा दीजिए कि ये लीजिए, यहाँ पर क्या है सर इक्वल टू का केस है। अगर आप यहाँ पर पावर की बात करें तो सर यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, तो आपने ये कहा कि सर जी यहाँ पर पावर इक्वल। मैं आपको वर्स्ट केस के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा रेडी रहे किसके लिए, वर्स्ट केस के लिए। अगर ज्यादा भी आ जाएगी आपकी पावर तो आप क्या करेंगे सर जी, ऐसे हम कम कर देंगे। समझे? जल्दी से बताइए राजेश्वरी जी, आपको डाउट था, क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, अब तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आ जाइए, दिस वैल्यू इज माइनस वन डी एक्स प्लस दिस इज 5x plus 1 dx डिवाइडेड बाय x plus 2 into x minus 1। चलिए अब अगर आप इसकी बात करें तो ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या सर, इसकी बात करते हैं तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x plus 1 डिवाइडेड बाय x plus 2 x minus 1। सर इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज नथिंग बट ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। तो क्या होगा सर, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज कैंसल आउट, तो आपका क्या बचा सिर्फ 5x plus 1 is equals to a x minus 1 plus b x plus 2। तो आपको अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी आप उससे a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करेंगे आप सर, अगर मैं यहां पर at x equals to 1 की बात करूं, x equals to 1 पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, 6, और ये वैल्यू हो जाएगी सर 0। ये कितना हो जाएगा, ये दिस क्वांटिटी इज 0, तो ये कितना है सर जी 3b, और जैसे ही 3b तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 2। हाँ या ना? और एक बार आप क्या करेंगे सर, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे सर, माइनस टू। जैसे ही हमने x की वैल्यू माइनस टू पुट करी, ये कितना हो गया सर, माइनस टेन प्लस वन इज माइनस नाइन, एंड दिस इज माइनस नाइन इज इक्वल टू a इनटू क्या पुट करा आपने, माइनस टू। तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट माइनस थ्री। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, a की वैल्यू हो जाएगी 3। अब मुझे बताइए हाँ या ना, आपके a की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके b की वैल्यू भी आ चुकी है, अब आप क्या करेंगे सर जी, अब तो क्वेश्चन हो गया हमारा, a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ चुकी है। चलिए तो ये जो वैल्यू थी सर, इसकी अगर हम बात करें, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx, यही था ना? यस सर, प्लस इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हैं सर, दिस क्वांटिटी इज a, a इज 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। बस अब आप क्या करेंगे सर जी, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, माइनस x प्लस 3 log 2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 टाइम log ऑफ x माइनस 1 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज योर आंसर माय डियर। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आ गया, जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आ गया भाई, टेल मी फास्ट। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आ गया, सभी को समझ आ गया? चलिए 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 आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए आगे बढ़ा जाए, बताओ यार। चलिए आगे बढ़े, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं डियर।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग. ओके ओहो चलिए करिए भाई. सर लास्ट में आ गया था बट स्टार्टिंग में नहीं. कोई बात नहीं भैया, नया कंसेप्ट था, छोटा सा ट्रिक थी उसमें से, तो कोई दिक्कत नहीं. लास्ट में तो आपको आ ही जाएगा. बस आप ध्यान रखिए, आप एक जो है अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसमें जितनी भी पॉसिबल वेराइटी, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताया था कि जैसे ही आपने कोई भी टॉपिक किया, लेट अस सपोज आप कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या कीजिए, दो चीजें लीजिए कि सर यहां पर सिर्फ दो वैरायटी पॉसिबल है. एक कि अगर हमारा न्यूमरेटर की जो पावर है डिनोमिनेटर से कम है, और जब हमारे न्यूमरेटर की जो पावर है सिर्फ डिनोमिनेटर के बराबर या उससे ज्यादा है तब क्या होगा. इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप डायरेक्टली अपना पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके एक क्वेश्चन लिख लीजिए, और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट. आप जब रिविजन करेंगे तो आपका आसानी से रिविजन हो जाएगा. यस सर, आपकी चीजें भी नहीं छूटेंगी, आपकी वेराइटी भी नहीं छूटेगी. तो आप ऐसे किया कीजिए. ठीक है, समझ गए. चलिए यार, इसकी कोई मुझे पहली स्टेप बता दो, इस क्वेश्चन की मुझे पहली स्टेप बता दीजिए बस, क्योंकि यार मुझे पहली स्टेप नहीं आती. आप बता दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बनना यार ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, यार ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं ऐसे. चलिए इधर आइए, इधर आइए, सुनिए सुनिए सुनिए. देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं उसे किस तरीके से कर रहे होंगे, सर दिस इज एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय, और अभी सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था कि सर अगर ये फॉर्मूले में ब्रेक हो रहा था, कहां गया सर, ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, सर ये हमारा ब्रेक हो रहा था तो हमने इसे कर दिया क्या एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन. तो यहां पर भी देखें तो सर ए माइनस बी ए प्लस बी में ब्रेक हो तो रहा है, तो इसे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, दिस इज एक्स प्लस ए, एंड दिस इज दिस क्वांटिटी इज एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी. हाँ यस सर. और अगर हम इसकी बात करें तो दिस क्वांटिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू, चलिए अभी एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी. सर अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा क्या ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी. जल्दी से बताओ यार कितने लोगों ने ये सोचा है, जल्दी से बताइए कितने लोगों ने ये सोचा है. यस चलिए भाई, कल्याणी जी का कहना है स्प्लिट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर, याहूज जी का भी यही कहना है, राजेश्वरी जी का भी यही कहना है. अब मेरी बात सुनिए, आई नो मुझे पता था डियर, इसीलिए ना आपको जितनी भी वैरायटी है सारी वैरायटी में आपको इसीलिए कराता हूं, क्योंकि आप ना मेंटेलिटी ये ना बना ले कि सर जैसे ही मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए वन दिखेगा मैं इसी फॉर्म में जाऊंगा. आपको ना क्वेश्चन में ट्रिक जब भी आपको अप्लाई करना है, यस आप ये तरीके से जा सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई गलत नहीं. बट एक बात बताओ यार मुझे, यहां पर कितने अननोन हो रहे, एक दो तीन चार, चार अननोन हो रहे हैं. यस या चार अननोन की जगह आप सिंपल से एक बात बताओ, ये जो भाई है हमारा क्या है एक्स डीएक्स, और ये क्या है एक्स स्क्वायर. मैंने आपसे हमेशा क्या कहा है कि जब भी एक्स स्क्वायर दिखता है और अगर न्यूमरेटर में एक्स डीएक्स दिखता है तो आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि सर जी ये वैल्यू क्या है, सर दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन.
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे लाल अगर आप यहां पर डायरेक्टली पुट कर देते सर, अगर मैं यहां पर डायरेक्टली पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपकी ये वैल्यू क्या हो गई, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये वैल्यू क्या हो चुकी है, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई टू। हाँ या ना, यस सर। और ये जो आप चार वेरिएबल में गए हैं इसकी जगह सिंपल सा क्या हो जाता, ध्यान से सुनिए, ये जो आप चार वेरिएबल में गए इससे सॉल्व करने के लिए डियर आपको चार वेरिएबल, चार आपके जो कांस्टेंट है ए बी सी, ये जो आपको निकालना पड़ेगा इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये वैल्यू क्या हो जाती, एक्स डीएक्स कितना हो जाता सर, डीटी बाई टू, मींस दिस क्वांटिटी इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीटी डिवाइडेड बाय सर, दिस इज टी माइनस ए स्क्वायर, दिस इज टी माइनस बी स्क्वायर। और मेरे लाल ये क्वांटिटी क्या लिख सकते थे आप, वन अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर, इसे आप क्या लिख सकते थे सर, इसे तो हम आसानी से लिख सकते थे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को देख के कंफ्यूज मत होना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के स्क्वायर से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, हमें क्या होना चाहिए था, अगर वेरिएबल का स्क्वायर रहता तब हमारे लिए प्रॉब्लम थी। बस अब क्या करेंगे सर, इसे लिख दो ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय टी माइनस बी स्क्वायर, यस नो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू अगर आप करेंगे एलसीएम से तो कैंसिल हो जाएगी, दिस इज ए टी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस ए स्क्वायर, तो आपका क्या होगा सर, ये जो वैल्यू है टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की ये कैंसिल हो जाएगी। बस अब आप क्या करिए सर, ए और बी की वैल्यू निकालना, तो एक बार क्या किसे जीरो कर दीजिए सर, एक बार इस क्वांटिटी को जीरो कर देते हैं, एक बार इसे जीरो कर देते हैं, तो आपने क्या करा, पुट यहां पर क्या कर दीजिए सर, पुट टी इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर आपने बी स्क्वायर रखा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर, दिस क्वांटिटी इज जीरो, और ये क्या है सर, इक्वल टू वन के लेफ्ट हैंड साइड तो आपका वन है, वन इज इक्वल टू दिस इज बी बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो आपके कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ गई सर, नथिंग बट वन डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। और एक बार आप क्या पुट कर दीजिए, पुट टी इज इक्वल टू इसे जीरो कर देते हैं, टी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो आपका वन ही होना है, वन इज इक्वल टू दिस इज ए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ चुकी है ए की सर, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यस सुन। अब क्या करेंगे सर जी, अब तो सिंपल हो गया, ये जो वैल्यू थी इसे आप क्या लिख देंगे सर जी, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 1/2 एज इट इज, और ये जो पूरी वैल्यू है इसे क्या लिख सकते हैं सर, ए अपॉन ए मींस व्हाट, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, दिस इज टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू की बात करें तो बी कितना है, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय दिस इज टी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए, अब तो भाई आसानी से कर देंगे, अब तो मुझे बताइए कि अब तो इसे आसानी से कर देंगे, हां या ना, बोलिए यार जल्दी से बोलिए, यस सर, चलो कर ही देते हैं। इसकी अगर आप बात करें तो ये कितनी हो जाएगी सर, दिस क्वांटिटी इज 1/2 ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस इज लॉग ऑफ, ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस ए स्क्वायर, तो टी की वैल्यू रख दे वापस, टी की वैल्यू क्या है हमारी सर, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, माइनस माइनस साइन क्यों ले रहा हूं, एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर लॉग ऑफ t की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, t की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस c, ये लो, अगर आपको और भी सिंपलीफाई करना है तो c की वैल्यू भी log c मान लीजिए और log log का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए भाई बताइए कितने लोगों को समझ आ गया, जल्दी से बताइए, यस और नो,
जल्दी से बताओ यार। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। वैरायटी समझ आ रही है, क्वेश्चंस की वैरायटी समझ आ रही है आपको सारी? जल्दी से बताइए क्वेश्चन की वैरायटी समझ रहे हैं कि अगर आप उसमें चार उसमें जाते मेरे लाल, आप उसे ए बी सी डी में जाते तो आप उसको ए की वैल्यू निकालते, फिर आप बी की निकालते, फिर सी की, फिर डी की। इससे अच्छा क्या करा, सर सिर्फ दो ही वेरिएबल में जाते, एक्स स्क्वायर को पुट कर देते। यस और नो? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए जल्दी से कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए जल्दी से कीजिए भाई। चलिए 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 समझ गए, चलिए सॉल्व करें। आई 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 एक बात बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगता है कि सर ये जो वैल्यू है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3, आपकी यही वैल्यू है? यस सर। मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये तो पता चल ही गया कि यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों अप्लाई करेंगे, इसका रीजन भी पता चल गया होगा कि सर अगर इसकी बात हम करें तो ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है, सर यहां पर वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर में कम है किससे, डिनोमिनेटर, और ये फॉर्म भी आपको बता चुका हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये अगर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना ही है तो इसे ब्रेक करो, दिस इज 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3, तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट, सो दिस इज नथिंग बट a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। बताओ यार यही आएगा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। चलिए अब ए बी सी की वैल्यू की निकालना है, तो दिस इज 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू एक्स प्लस 3, एंड दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट ए इनटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू एक्स प्लस 3, and this is b into x plus 1 into x plus 3 plus c into this quantity is x plus 1 into x plus 1 the whole square divided by x plus 1 into x plus 1 the whole square into x plus 3।
नाउ माय डियर टेल मी, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे? सर अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी? सॉरी दिस क्वांटिटी। अब आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? सर जी कैंसिल हो जाएगी। यस और नो, जल्दी से बताइए। यस एबीसी की वैल्यू आप इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं कि किसी और चीज के लिए बता रहे हैं? अच्छा यस, आप इसी क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं या फिर किसी और के लिए कह रहे हैं? डियर दिस क्वांटिटी इज बी ओनली, माय मिस्टेक, दिस क्वांटिटी इज बी ओनली, बी एक्स प्लस थ्री एंड दिस क्वांटिटी इज सी इंटू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। अगर हम बात करें ये एक्स स्क्वायर, ओह That's the mistake here. This is only C here. Sir, ऊपर सिर्फ x plus 1 आया, कहां पर? This is x plus 1. अगर आप इसका करेंगे तो x plus 1 तो आपका है ही, तो ये हो जाएगा x plus 1 into x plus 3, सही है। और अगर आप b की बात करें तो x plus 1 का square, अगर आप बात करेंगे तो ये quantity तो आपकी है ही यहाँ पर, तो ये कितना आएगा सर? Only सिर्फ x plus 3 आएगा। और अगर आप C की बात करेंगे तो ये क्या है सर? X plus 3, तो सिर्फ हमारी एक क्वांटिटी नहीं है X plus 1, तो यार सही तो है। क्या डाउट है भाई, जल्दी से बताइए क्या डाउट है? चलिए अब सही हो गए। यस 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 यस। अरे एक्चुअली मुझे क्या लगा था यहां पर 2 है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं। चलिए अब अगर इसकी बात करें तो ये क्वांटिटी हो गई है कैंसल, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सिर्फ बचा हुआ है कितना, 3x minus 2 is equal to, this is a into x plus 1 x plus 3, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया गलती से। चलिए अगर मैं यहां से आपसे बात करता हूं कि मुझे ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे आप? सर जी एक काम करते हैं, सर जी आइए यहां पर अगर एक काम करते हैं सर, एक्स एक्स प्लस वन यहां भी है, एक्स प्लस वन यहां भी है, एक काम करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हैं, क्या कहते हो? एक्स इक्वल टू अगर आप माइनस वन रखेंगे तो दिस क्वांटिटी इज जीरो, दिस क्वांटिटी इज जीरो, तो आपके अगर माइनस वन रखेंगे तो ये होगा माइनस थ्री, माइनस टू इज माइनस फाइव, दिस क्वांटिटी इज 2b, यस, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस फाइव बाई टू। चलिए अब अगर आप बात करें कि सर हमारा a और c चला गया, हमारा b आ चुका है, अब b के अलावा अगर आप निकालना चाहते हैं किसे, एक काम करते हैं एक बार x इक्वल टू माइनस थ्री रखते हैं, क्या कहते हो? माइनस थ्री रखोगे ये क्वांटिटी भी जीरो, ये क्वांटिटी भी जीरो, तो ये आ जाएगी। माइनस थ्री रखोगे तो दिस इज माइनस नाइन, माइनस टू इज माइनस इलेवन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर इज माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, फोर एंड दिस इज सी, तो सी की वैल्यू माइनस इलेवन बाई फोर। यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। चलिए अब यार इस क्वेश्चन को और सिंपल करना, ए बी की वैल्यू आ गई, सी की आ गई, ए की निकालना है, तो क्या करें? एक्स इक्वल टू जीरो रख दो सर, रख दो कुछ भी वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की? सर माइनस टू, दिस क्वांटिटी इज माइनस टू एंड दिस इज ए इंटू, जैसे ही जीरो रखा दिस इज वन एंड दिस इज थ्री, दिस इज ओनली थ्री प्लस, अगर हम ये जीरो रखते हैं तो दिस इज थ्री, टेल मी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी थी सर? माइनस फाइव बाई टू प्लस सी की अगर बात करें जीरो, तो दिस इज वन इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? माइनस इलेवन बाई फोर। चलो यार ये काम आपका है, मुझे ए की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ भाई ए की वैल्यू बताओ, जल्दी से कमेंट करिए ध्रुव जी। चलिए बिल्कुल सही कल्याणी जी, यस मुझे इसमें ए की वैल्यू बताइए कितनी आई है,
फास्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ ए। अरे जल्दी से ए की वैल्यू बताओ यार, कि यहां से ए की वैल्यू कितनी आई है। कल्याणी जी ए इक्वल टू 11/4। डियर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी वैल्यू मान रहा हूं कि ए इक्वल टू 11/4 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। बिल्कुल सही है। कोई और किसी और स्टूडेंट का आया 11/4 यहां से ए की वैल्यू? टेल मी। चलिए ए की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, 11/4 आई है। ए की वैल्यू ध्रुव जी कह रहे हैं -1 है। चलिए भाई दो से तीन स्टूडेंट का 11/4 कहना है, तो भाई 11/4 इज द राइट आंसर आई थिंक। चलिए अब क्या करेंगे, आ जाओ सर अब तो इंटीग्रेशन पे आ जाइए। चलिए अगर आप इसकी बात करें, आइए आइए अगर आप इसकी बात करें, दिस इज 3x-2 दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x-2 dx डिवाइडेड बाय x+1 द होल स्क्वायर इंटू x+3 इज इक्वल टू। चलिए अगर आप बात करें a की वैल्यू कितनी है, 11/4 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू dx। चलिए b की वैल्यू कितनी है आपकी, सर b की वैल्यू की बात की जाए तो b की वैल्यू -5/2 दिस इज -5/2 डिवाइडेड बाय दिस इज x+1 द होल स्क्वायर dx प्लस c। टेल मी द वैल्यू ऑफ c। सर c की वैल्यू की बात करें तो c की वैल्यू आई -11/4 -11/4 dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी इज x+3। बस यार अब तो आई थिंक आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा ये x+1 का स्क्वायर है। चलिए 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 अब क्या करेंगे सर जी, इसका अगर देखा जाए तो ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसे देख लेते हैं ये सुनो। चलिए अगर आप बात करें ये इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, dx डिवाइडेड बाय x+1 द होल स्क्वायर, ये क्या होगा सर जी? बहुत सिंपल है, x+1 को हमने क्या रख दिया सर जी, t, तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया सर जी, dt, ये वैल्यू हो गई dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, तो ये क्या हो गया सर, नथिंग बट व्हाट सर, t टू द पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, दिस वैल्यू इज -1/t। अरे जल्दी से बताओ यही होगा, यस और नो? और अगर ये वैल्यू -1/t है, t क्या था आपका सर, x+1, तो ये वैल्यू होगी 1/(x+1-1), ओके यस और नो? चलिए इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर जी, 11/4 log of mod x+1 this is -5/2 -5/2 and ye minus plus 5/2 into 1/(x+1). Chaliye this is -11/4 log of mod x+3 plus c and this is your answer. And my dear, this is your answer. कितने लोगों का यही आंसर आया था भाई? चलिए जल्दी से बताइए। यस राजेश्वरी जी, ये वही तो लिखा है आपका, क्या कहना है, -2 = x = 0 3a, yes, b की वैल्यू 3b, b की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर -5/2 और c की अगर आप बात करें तो डायरेक्टली c की वैल्यू ये रख दी थी -11/4, वही तो किया है। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए 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 हायर लेवल क्वेश्चन देख के मुझे लगता है स्टूडेंट भाग गए। अच्छा यहां पर, अरे डियर यहां पर क्या है यार, एलसीएम है डियर,
यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये x plus 1 the square और ये x plus 3, तो ये आपने क्या करा कि सर जी इसका LCM हो गया x plus 1 the square x plus 3, तो यहाँ पर सिर्फ x plus 1 है तो आपकी कौन कौन सी वैल्यू आएगी, सर x plus 1 का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हमने जल्दी में लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या आएगा सर सिर्फ x plus 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा x plus 1 into x plus 3। अगर आप इसकी बात करें यहाँ पर x plus 1 का स्क्वायर और LCM में अगर आप बात करें x plus 1 का स्क्वायर x plus 3 तो आप सिर्फ क्या आएगी x plus 3 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू होगी क्या x plus 3 तो आपका सिर्फ क्या बचा है x plus 1 का स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके चलिए 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 गाइस, तो आज की क्लास हम एंड करते हैं, बट क्लास को एंड करने से पहले जो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट है, लेट अस सपोज अगर आप में से कोई स्टूडेंट केमिकल ब्रांच का स्टूडेंट है तो आप सभी के लिए 26 मई से आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप 10% डिस्काउंट के साथ पल्लव लाइफ टीम और अनअकैडमी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। ओके और जो भी स्टूडेंट आप में से किस ब्रांच के स्टूडेंट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट है तो आपके लिए भी 26 मई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी लोग गेट 2022 गेट 2023 जो स्टूडेंट भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग कोड पल्लव लाइफ, ताकि आप पल्लव लाइफ टीम का भी हिस्सा बन सके। एंड आप में से जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस सीएसआईटी के स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इस टीम को ज्वाइन करें, जल्द से जल्द पल्लव लाइफ टीम को ज्वाइन करें, जल्द से जल्द जो आपके लिए डिटेल्ड बैच है उसको ज्वाइन करें, ताकि आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होंगे उसमें भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। एंड आप में से जितने स्टूडेंट्स भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, आपके लिए 19 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आपको अब लेट नहीं करना है क्योंकि आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है गेट 2022 एंड गेट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट आप में से मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 19 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोग जो गेट 2022 गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्द से जल्द पल्लव लाइफ टीम को ज्वाइन करें और अनअकैडमी प्लस का एडवांटेज लें। एंड सर उसके लिए क्या करना है, आपके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर जाकर आपको जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं आपके पास प्लान आते हैं कि आपको प्लस लेना है या आइकॉनिक, आप अगर प्लस लेना चाहते हो तो चूज कीजिए प्लस, देन चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ, आप पल्लव लाइफ कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करते हैं फर्स्ट आपको जो है इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होता है, उसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का, और आपको मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर को टीम ज्वाइन करने का मौका मिलता है, और जैसे ही आप टीम को ज्वाइन करते हैं जो भी आप क्वेश्चन बैंक है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली डोज कंसेप्ट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट डिस्कशन करने का मौका मिलता है, आपकी सारी चीजें आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं, एंड आप सभी को पर्सनल गाइडेंस मिलता है मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का। और अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं देन अपना प्लान चूज कीजिए 12 मंथ और 24 मंथ, बट कोड आपको सेम ही रखना है पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को क्या हो सके इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके और आप पल्लव लाइफ टीम से जुड़ सके। और आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर जाकर सर्च करें पल्लव गौर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करें, आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल, किस एग्जाम के लिए गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम के लिए, किन ब्रांचेस के लिए डबल ई ब्रांच ईसी ब्रांच आईएन ब्रांच एमई ब्रांच एक्ससी ब्रांच पीआई ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, आपके लिए जो भी सेशंस हो रहे हैं यहां पर उनका एडवांटेज लें। चलिए हेलो सर आई एम वन ऑफ योर स्टूडेंट आई वांटेड टू यू टू से थैंक यू बिकॉज ऑफ यू माय मैथमेटिक्स हैज इंप्रूव्ड मच especially probability, thank you so much, thank you dear, thank you so much। चलिए चलिए guys, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द join कर लीजिए, आप सभी के लिए inflection test series आज से start हो रही है 5 PM, आप सभी लोग timing जानते हैं। okay चलिए तो session को हम end करते हैं dear, thank you so much।
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. To experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators. Right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.